एक समय था जब सर्कस का क्रेज हुआ करता था। गांव तो गांव, शहर में भी सर्कस के लोग दीवाने हुआ करते थे। सर्कस लगा नहीं कि लोग देखने पहुंच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में सर्कस पिछड़ता जा रहा है। जान को जोखिम में डालकर सर्कस के कलाकार लोगों का मनोरंजन करने में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके सर्कस का कम होता क्रेज कलाकारों के लिए मुसीबत का सब बनता जा रहा है। नाम बता दीजिए अपना। अमरजीत। अमरजीत, सर्कस में आप कर रहे हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं आपको? मुश्किल तो बहुत ही आता है। किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? वो मुश्किल बहुत मुश्किल आता है, लेकिन वो चलना पड़ता है, जो आदत करना पड़ता है, जो चोट लगता है, जो पैर में लगता है, हाथ में लगता है, वो जो भी चलना पड़ता है। परिवार से दूर रह करके आप लोग सर्कस में समय दे रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा आपका? कैसा लगता है आपको कि सर्कस ही आपने क्यों चुना है? जैसे ही दुख तो लगता है, लेकिन जो काम है करके हम लोग भी करता है, अभी अच्छा लगता है। तो किस तरह का सर्कस में आप दिखाते हो? मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक वगैरह सब मिक्स करके दिखता है। यस। क्या नाम, नाम क्या है? असलम। असलम, सर्कस ही क्यों चुना आपने? सर्कस ही के लायक हूँ, दूसरा जगह जा नहीं सकता, दूसरा कुछ होगा नहीं हमसे, इसी के लिए मैं सर्कस है। आज 25 साल सर्कस लाइन में हूँ, 98 से सर्कस लाइन में हूँ। और दूसरी बात कि मैं सरकस के सिवा कुछ नहीं है मेरा। अब गवर्नमेंट का कुछ सहायता मिलता तो कुछ करता, लेकिन अब गवर्नमेंट का कोई सहायता नहीं है, हमारा सरकस ही है। गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सर्कस का बहुत कुछ छीन चुके हैं गवर्नमेंट, तो हम सरकार से यही चाहता हूँ कुछ सहायता हम लोग सर्कस वाला लोग करना चाहिए उनको, कि हमको कुछ हेल्प हो, ठीक है। और दूसरी बात, पब्लिक से यही चाहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आए सर्कस को, हमारा रौनक बढ़ाएं, बहुत बहुत आप लोगों को मेहरबानी रहेगी कि हम लोग कुछ आप लोग आइएगा, तभी हम लोग सर्कस चलेगा। और हम लोग और भी जितना हमसे कोशिश होगा उतना आप लोग को हंसाएंगे और भी आइटम हम लोग दिखाएंगे। जी, परिचय दीजिए पहले। हाँ जी, मेरा नाम है करण, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। पहले तो आपका चैनल को नमस्कार। आप बाइक राइड करते हैं? हाँ जी। कितनी मुश्किल आती आपको बाइक राइड करने में, और कैसा आपको अनुभव रहा? हाँ, ये है मेरा इस काम के जुड़े हुए करीब 20-22 साल हुआ है इस काम में, मतलब अपना जो कला जो से कहो 20-22 साल हुआ है। पहले से और अभी से थोड़ा फर्क पड़ा। फर्क क्या, पहले जानवर वगैरह था तो हम पब्लिक बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, जितना स्टिक का खेल अपना पास अपना जितना पब्लिक भरा हुआ ऑडियंस ज़्यादा ज़्यादा आता है, हम लोग का फील की कला देखने के लिए कर्तव्य बहुत अच्छा लगता है। हम रिक्वेस्ट है पब्लिक से, आज ज़्यादा से ज़्यादा आए और मनोरंजन हम लोग दे पाए पब्लिक को। मेरा नाम वकील अली है और मैं रहने वाला MP मध्य प्रदेश का हूँ, छिंदवाड़ा ज़िले का। और ये सर्कस को मैं चला रहा हूँ अभी समथिंग 1 साल से, और हमारा शो चलता है दोपहर 1 बजे से, फिर शाम 4 बजे से, और फिर शाम 7 बजे से, 1.5 घंटे का शो है। और टिकट रखा है हमने 100, 200, 300, मतलब 300 जो है ये हमारा फर्स्ट क्लास है आगे का, और 200 है सेकंड क्लास पीछे का, और 100 है सेकंड क्लास पीछे साइड का। और हमारा जो अभी जो हमारी सर्कस की कंडीशन चल रही है, मतलब कहने का ये कि जैसे कि हमारे सर्कसों में जानवर हुआ करते थे, हाथी, शेर, भालू, ये तो सरकार ने जब से जानवर छीन लिए तो सर्कसों में हमारे बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। अब सर्कस में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और रही बात सर्कस में इतना खर्चा आ जाता है कि पूछे मत। और ये हरियाणा में तो ग्राउंड का जो हुड्डा के ग्राउंड है ना, इनका रेट बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा करके हरियाणा में नहीं खेल पा रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि जो हुड्डा के ग्राउंड हैं इसमें थोड़ा सा रियायत की जाए, कम किया जाए। और हमारा सर्कस का क्या है, अब सर्कस तो सिर्फ जिमनास्टिक रह गया है, लेडीज जेंट्स का खेल, जोकरों खेल, और जो कि उत्तराची कला है इसको जीवित रखने के लिए हम लोग चला रहे हैं। और रही दूसरी बात, क्योंकि सर्कस में जो हमारे कर्मचारी करते हैं, जो शुरू से सर्कस करते चले आ रहे हैं, अब वो दूसरा कुछ काम कर नहीं सकते, आप भी जाने दूसरा काम कर नहीं सकते, इसलिए मजबूरी उनमें सर्कस का काम करना। और सर्कस में रिस्पॉन्स तो बिल्कुल रह नहीं गया। ऑडियंस से हम तो ये चाहेंगे हमारी वीडियो देखकर आप लोग आइएगा, वेलकम, स्वागत है।